सुनो शिवराज मामा, क्या कर रही है आपकी भांजी? बच्चियों ने मामा से मार्मिक अपील की, कहा जानवर पीछे पड़ जाते हैं, साइकिल दिलवा दो मामा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम पैदल पैदल आते हैं, हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, हमें साइकिल दिला दीजिए। और कई बार तो हमारे पीछे जंगली जानवर भी लग जाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे मनाने का उद्देश्य ये माना गया है कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लेकिन सोशल मीडिया पर उज्जैन जिले के घटिया तहसील के ग्राम निपानिया सुनार से मासूम बच्चियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चियां अपने अधिकार खुद मांग रही हैं और सीएम शिवराज के नाम संदेश देते हुए मासूमियत भरी आवाज में बच्चियां कह रही हैं, मामा जी जानवर पीछे पड़ जाते हैं, स्कूल से आते जाते वक्त साइकिल दिलवा दीजिए, हर रोज 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हो पढ़ने तुम? कितनी दूर है स्कूल आपका गांव से? 4 किलोमीटर। रोज डेली पैदल आते हो? साइकिल नहीं मिली? दरअसल ग्राम निपानिया सुनार उज्जैन जिले की घटिया तहसील अंतर्गत आता है और उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है। गांव की आबादी 600 करीब लोगों की है। गांव सड़क किनारे व आसपास जंगली क्षेत्र के कारण जंगली जानवरों का भय यहां बना रहता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जिम्मेवारों पर कई सवाल खड़े कर रहा है कि शिक्षा का आधे से ज्यादा सत्र बीत जाने के बावजूद बच्चों को योजना के तहत साइकिल क्यों नहीं मिल सकी। चूंकि वीडियो वायरल है, इस वजह से कोई भी जिम्मेवार अधिकारी सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि अब जिम्मेवारों की नींद खुलेगी और मासूम बच्चियों को उनका हक मिलेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम पैदल पैदल आते हैं, हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, हमें साइकिल दिला दीजिए। और कई बार तो हमारे पीछे जंगली जानवर भी लग जाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे मनाने का उद्देश्य ये माना गया है कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लेकिन सोशल मीडिया पर उज्जैन जिले के घटिया तहसील के ग्राम निपानिया सुनार से मासूम बच्चियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चियां अपने अधिकार खुद मांग रही हैं और सीएम शिवराज के नाम संदेश देते हुए मासूमियत भरी आवाज में बच्चियां कह रही हैं, मामा जी जानवर पीछे पड़ जाते हैं, स्कूल से आते जाते वक्त साइकिल दिलवा दीजिए, हर रोज 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? नितिका चौधरी। कहाँ से आते हो पढ़ने तुम? सुनार। कितनी दूर है स्कूल आपका गांव से? 4 किलोमीटर। रोज डेली पैदल आते हो? हाँ। साइकिल नहीं मिली? दरअसल ग्राम निपानिया सुनार उज्जैन जिले की घटिया तहसील अंतर्गत आता है और उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है। गांव की आबादी 600 करीब लोगों की है। गांव सड़क किनारे व आसपास जंगली क्षेत्र के कारण जंगली जानवरों का भय यहां बना रहता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जिम्मेवारों पर कई सवाल खड़े कर रहा है कि शिक्षा का आधे से ज्यादा सत्र बीत जाने के बावजूद बच्चों को योजना के तहत साइकिल क्यों नहीं मिल सकी। चूंकि वीडियो वायरल है, इस वजह से कोई भी जिम्मेवार अधिकारी सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि अब जिम्मेवारों की नींद खुलेगी और मासूम बच्चियों को उनका हक मिलेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।